नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या है सच, क्या है झूठ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको इधर में एक ब्लू आइकन टिक लगा चुका हूँ, एयरटेल रिमोट लिमिट अन आउटगोइंग कॉल टू अदर नेटवर्क आउट प्ले जियो इन टू द प्रोसेस। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा, इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाए और लाइक करें। चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर क्या है, एयरटेल ने सच में फ्री किया है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, जो भी है। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, थंबनेल में देख रहे होंगे कि नहीं, आइडिया ने फ्री किया, जियो ने फ्री किया, एयरटेल ने फ्री किया और वोडा ने फ्री किया। सो सबसे रियल, सबसे सही बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ना आपको कहीं जाना है, ना कहीं आना है, आप सिंपली इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे डिटेल, सारे चीज़ें आपको यहाँ पर, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो बने रहिए, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आप देख रहे हैं, इधर में मैंने आपको दिखाया कि एयरटेल रिमूवेड लिमिट ऑन आउटगोइंग कॉल टू अदर नेटवर्क्स। जी हाँ, जैसा कि तय हुआ था, पहले सभी कंपनियों ने तय किया था कि 3 दिसंबर से आपका लगने वाला है, जो सभी एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल और आइडिया ने 42% का अपना रिचार्ज प्लान में बदलाव किए थे। लेकिन आपको अब करने क्या है, देखने क्या है इसमें, कि जियो ने तो बढ़ाया था पहले से ही, और उसने भी 40% 6 दिसंबर से लागू कर दिया। और सभी कंपनियों ने एक तय किया कि आपको अदर नेटवर्क पर बात करने के लिए एक लिमिट है, एक बाउंडेशन आपका है कि नहीं, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। सो इधर में देखिए, एयरटेल ने ऐलान कर दिया, ट्वीट कर दिया, भाई अब आपको फ्री कॉल करने का चांस मिल गया, अब कोई भी एफ यू पी नहीं लगेगा, है ना। जो आईसी टॉपअप आपको कराने पड़ते थे वाउचर, जो कि इसमें आपको 6 पैसे पर मिनट देना था, वो अब नहीं लगेगा, सारे कॉल्स सारे नेटवर्क पर फ्री हो गए। सो इसके साथ एक चीज़ और देखना है, कि क्या एयरटेल ने भी किया, एयरटेल ने ही किया है सिर्फ, या और कंपनियों ने किया है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वोडाफोन और बीएसएनएल, है ना। सो रियल क्या है, झूठ क्या है, मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, है ना। देखिए, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने फ्री कर दिया। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे पता चल जाएंगे कि नहीं, जो भी आप यूज करते हो, चाहे एयरटेल यूज कर रहे हैं, चाहे बीएसएनएल यूज कर रहे हैं, चाहे आइडिया यूज कर रहे हैं, चाहे वोडाफोन यूज कर रहे हैं, सारे आपको इसमें डिटेल मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है सिंपली सीधे शब्दों में, एयरटेल ने कर दिया है भाई। इधर में आपको दिखा देते हैं, जो इधर में चार्ज थे 6 पैसे पर मिनट, ठीक है, वॉइस कॉल्स मेड टू अदर नेटवर्क, अदर नेटवर्क पर बात करने के लिए कर दिया गया था। जैसा कि इधर में आप देख सकते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल और जियो ने अपना ये काम, ये अपना टैरिफ प्लान में बदलाव किए थे, एक एफ यू पी लगाए थे आईसी के तहत, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए इधर में वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों आपको दिख रहे हैं इधर में, ठीक है, एयरटेल के अलावा इधर में आपको दिख रहे हैं, इधर में ये देखिए, इन चीज़ों को देखते हुए ग्राहक भी सेट हुए थे। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि सेट टू कूड चार्ज द कस्टमर फॉर वॉइस कॉल्स मेड टू अदर्स नेटवर्क, है ना। बाकी की चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऑफिसली यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और इसमें दिखा है, देखिए एफ यू पी लिमिट जो था आपका वो ख़त्म हो गया है, अनलिमिटेड, ये देखिए एफ यू पी लिमिट फ्रॉम इट्स अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स, जो कि आपका लगा था, एक बाउंडेशन था कि नहीं, आपको 1000 मिनट, 2000 मिनट या 3000 मिनट आपको मंथली मिलने हैं। सो इसको हटा दिया, अब एक पैसा भी आपका अदर्स नहीं कटेगा, अलग से नहीं कटेगा, और आपका पूरा का पूरा अनलिमिटेड फ्री हो गया अदर नेटवर्क पर, अदर ऑपरेटर नेटवर्क पर, ठीक है। ये तो हो गया एयरटेल का। बाकी की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए इधर में एयरटेल, ओके, इधर में देखिए, और यहाँ दिखा रहा है एयरटेल, फॉर एग्जांपल एयरटेल लॉन्चेड न्यू प्रीपेड प्लान्स ऑन December 1st, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर से इसमें किया था, और कितना किया था इंक्रीज, इसमें दिखा रहा है नियरली, इधर देखिए 40% का किया था बढ़ोतरी टैरिफ प्लान में, पर ये देखिए इधर में, जो कि आपका एफ यू पी, इधर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1000 मिनट फॉर एफ यू पी लिमिट ऑन वॉइस कॉल्स टू अदर नेटवर्क, ठीक,
ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। बाकी देखिए इधर में दिखा रहा है, नीचे मैं आपको ले चलता हूँ, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं कि नहीं, देखिए आपका वोडाफोन आइडिया प्लस जियो ये सभी के सभी फ्री हो गया, लिमिटेड हो गया। आप किसी भी नेटवर्क पर कि जाए जितना भी बात कर लो, आपका सारा का सारा फ्री रहेगा, एक पैसा भी नहीं कटेगा। इसमें कोई भी अभी लिमिट नहीं लगा है, कोई भी ऐसी चार्ज नहीं देना है ना। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इधर में देख लीजिए, एपीपी लिमिट ऑन नॉन जियो कार्ड सो द ऑपरेटर आर प्रेटी मच क्लियर दैट दे वांट टू चार्ज कस्टमर फॉर आउटगोइंग कार्ड वाइस मेड ऑन अदर नेटवर्क। ये भैया आपका लेगा, इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं, इधर में दिया हुआ है, ये देखिए 2498 रुपये में आपको टोटली कितने मिलते हैं एपीपी की लिमिट के तहत, 12,000 मिनट, वो भी ईयरली यानी एक साल का। सो आपको पता चल गया कि नहीं, एयरटेल ने ही सिर्फ किया है और बाकी नेटवर्क नहीं किया है, सभी नेटवर्क में एपीपी भी लगा है, एक लिमिट लगा है। आईसी टॉप आईसी चार्ज तो देखिए आपका जब मिनट खत्म हो जाता है, तो आईसी चार्ज आपको कब लगता है, जब आपका मिनट खत्म हो जाता है तो आपको 6 पैसे पर मिनट देने हैं। बट अगर आपका एक जो एपीयूपी है ना, उसके तहत अगर आपका अभी मिनट बाकी है तो वहीं कटेगा, और एक लिमिट है उसका 1,000 मंथली है। बाकी अगर आप 3 महीने का करवा रहे हैं और 598 रुपये कुछ हुआ है अपडेट, अगर वो करा रहे हैं तो आपको 3,000 मिलते हैं, उसके ख़त्म होने के बाद होता है। बट एयरटेल ने सब क्लियर कर दिया कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं देने हैं, आप अनलिमिटेड कराओ। अनलिमिटेड यानी आप महीने का जो कराते हैं और 84 दिन का जो कराते हैं अनलिमिटेड डाटा एंड वॉइस कॉलिंग, सो आपका पूरा का पूरा ऑल टू ऑल नेटवर्क पर फ्री।